नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है। और आइए जानते हैं इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज चर्चा का विषय आने वाला नया महीना रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 की। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बिना किसी विलंब के हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन मैं कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अब बात करूंगी सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये मार्च 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, ये महीना आपके लिए कुछ मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मैं देख रही हूँ वो है आपकी वित्तीय स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। तो आइए मैं एक एक करके आपके करियर, आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ और आपकी फैमिली लाइफ और आपके लव लाइफ के बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूँगी आपके करियर से। तो देखिए, आपके नौकरी धंधे जॉब व्यवसाय के लिए ये महीना कुछ मिले जुले परिणाम निसंदेह लेकर आ रहा है। कि सबसे बड़ी बात है कि आपके दशम भाव के स्वामी षष्ठम भाव में आ रहे हैं। आपके 10th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी आपके जॉब, नौकरी, पेशा और व्यवसाय में थोड़ी सी कंफ्यूजन और थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति रह सकती है। और राहु, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप लंबे समय से आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि कुछ चेंज मैं ज़रूर देख रही हूँ आपके जॉब में। ये हालांकि अगर आप ये चेंज आपके स्थानांतरण के साथ आता है, स्थान परिवर्तन के साथ आता है, तो निसंदेह ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर क्या है कि सूर्य भी गोचर करते हुए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे महीने के उत्तरार्ध में। तो अंतिम 2 सप्ताह में सूर्य भी आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो यहाँ से अगर आप किसी फॉरेन लैंड से जुड़े हुए कारोबार को आप कर रहे हैं तो वहाँ पर निसंदेह फ़ायदा होगा। और अगर आप विदेशी भूमि से, देखिए, आपका कोई भी काम धंधा जुड़ा हुआ है, आप MNC में काम करते हैं, आप एक यूट्यूबर हैं, तो यहाँ पर आपकी सक्सेस गारंटीड है। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप अगर आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वूमेन हैं, तो आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। आपके व्यापार के दृष्टिकोण से आप वहाँ पर काफ़ी लाभ कमाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं, उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कारोबार को बढ़ा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप कुछ मित्रों के साथ मिलकर अपने किसी स्टार्टअप को शुरू करने की सोच सकते हैं। बिजनेस में एक नई शुरुआत मैं देख रही हूँ और आप काफ़ी साहसी बनकर इस अपने प्रोजेक्ट को लेते हुए दिख रहे हैं। आप बस अपने सबकॉन्शियस की आवाज़, जिसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं, उसको सुनिए और अपने कार्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते जाइए। अगर मैं आपके वित्तीय स्थिति की बात करूं तो ये समय सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए फाइनेंस में थोड़ा सा मिला जुला परिणाम लेकर आता हुआ दिख रहा है। आपके देखिए, आप बुध जो हैं, आपके सेकेंड हाउस के स्वामी होके, आपके द्वितीय होके, धनेश होके, सन के साथ महीने के शुरुआत में 7th हाउस में रहेंगे। और इसके चलते मैं देख रही हूँ कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। उत्तरार्ध में फिर सन ट्रांसिट करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जैसा मैंने पहले बताया। और यहाँ देखिए, आपके लग्न को 4 प्लैनेट बिल्कुल सीधे सीधे देख रहे हैं। सूर्य, बुध, बृहस्पति और मंगल आपके 1st हाउस को देख रहे हैं। भीड़ से अलग अपने को अपने कार्य क्षेत्र में एस्टैब्लिश करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। और चूंकि मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं और मार्स आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी इनकम फॉरेन लैंड से जुड़ी हुई है तो निसंदेह आप फ़ायदा कमाते हुए दिख रहे हैं।
और प्रमोशन आपके ऑफिस में मैं देख रही हूँ। अगर आप नौकरीशुदा हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में मैं पदोन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख रही हूँ। अगर आप किसी नए एम्प्लॉयमेंट के इंतज़ार में थे, नई नौकरी की तलाश में थे, तो वहाँ से आपको एक बहुत ही अच्छी आर्थिक स्थिति बन रही है। नया जॉब आपके लिए एक बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर लेकर आने वाला है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर आप कर्ज से मुक्त होते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने अतीत में कभी कोई लोन लिया था तो आप उससे उबरते हुए दिख रहे हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सावधानी से करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप कुछ लॉसेस इनकर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, महीने के उत्तरार्ध में जो स्थिति बनेगी वो और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी महीने के पूर्वार्ध से। अगर मैं आपके हेल्थ की बात करूं तो देखिए, स्वास्थ्य पूरे महीने बहुत अच्छा रहने वाला, ये एक बहुत अच्छी बात है। लियो राशि वाले लोगों के लिए मैं बोलती हूं, तो मैंने अभी पिछले दिनों जितने भी फोरकास्ट किए थे मंथली, उसमें सब चीज़ बहुत अच्छा था, पर एक हेल्थ हमेशा से एक इशू बना हुआ था लियो राशि के जातकों के लिए। तो लेकिन इस महीने मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप एक बहुत ही अच्छे हेल्थ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। शनि, मंगल और शुक्र की स्थिति आपके षष्ठम भाव में बनी हुई है, और देखिए पाप ग्रह त्रिक भाव में बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ग्रहों का, जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके सिक्स हाउस में बना हुआ है, ये आपको किसी भी मेजर एलिमेंट, किसी भी बड़ी बीमारी से बचाने की ताकत रखता है। आप यहाँ तनाव से मुक्त होते हुए दिख रहे हैं, और एग्जॉल्टेड मार्स यहाँ पर मंगल उच्च होकर आपके शारीरिक क्षमता और आपकी बीमारियों को दूर करते हुए दिख रहे हैं। तो एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप अपने दुश्मनों को पराजित करते हुए भी दिख रहे हैं, और डिजीज़ को भी हम दुश्मन ही मानते हैं। बस एक डिसिप्लिन लाइफ रखिए, खाने पीने का समय निश्चित रखिए, पानी खूब पीजिए, और अपनी सोच को खूब सकारात्मक और पॉजिटिव बनाए रखिए। आपके लिए ये बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। अगर मैं आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करूं तो ये महीना आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज़ोरदार रहने वाला है। बृहस्पति जो आपके पंचमेश हैं, आप बुध के साथ युति बनाकर आपके सेवेंथ हाउस में आए हैं, और ये बताते हैं कि अगर आपने आपकी लव लाइफ में बहुत ही मधुरता घुलने वाली है, आप अपने लव लाइफ को, लव पार्टनर को जीवन साथी बनाने की सोच सकते हैं, आप एक डिसीजन ले सकते हैं। प्रेमी युगल के बीच एक दूसरे के लिए बहुत विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके शब्दों में बहुत गहराई आ रही है। आप अपने प्रेमी एक दूसरे की भावनाओं को समझने में बहुत सक्षम रहेंगे इस पूरे महीने। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ पर देखिए, आपके पंचमेश जुपिटर जो सेवेंथ हाउस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने मैरिज को, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अपने प्रेम को विवाह बंधन में बंधते हुए भी देख सकते हैं। इस समय अगर आप अपने पार्टनर को अपने शादी का प्रपोजल या लव प्रपोजल देते हैं तो वो बिल्कुल आपके पार्टनर मान जाएंगे। अगर आप अनमैरिड हैं और शादी के लिए आप एक उचित समय की तलाश में हैं, तो यहाँ पर देखिए, इस मार्च के महीने में आपको कुछ अच्छे प्रपोजल्स आते हुए दिख रहे हैं, या आप किसी एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आप जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेगा। आप दोनों जीवन साथियों के बीच आपसी तालमेल और सौहार्द बना रहेगा, और हो सकता है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े बिजी हो जाएं तो आप अपने लाइफ पार्टनर को थोड़ा कम समय दें, लेकिन आपके प्रेम को उसी अनुपात में रेसिप्रोसिटी मिलेगी और आपके वैवाहिक जीवन में एक मजबूती आएगी। अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूं तो देखिए, सेकंड हाउस के लॉर्ड मर्क्यूरी जुपिटर और सन के साथ आपके लिए बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन बनाए हुए हैं पूरे महीने। परिवार में पूरी तरह से हारमनी रहेगी, बहुत सौहार्द रहेगा, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ आपको थोड़ी सी मैं एक सावधानी बरतने की सलाह दूंगी कि कोई भी आउटसाइडर्स जो है, जो आपके फैमिली के बाहर के लोग हैं,
उनके चलते आपके सिबलिंग्स में, आपके छोटे भाई बहनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकता है। तो ये सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में इस तरह की स्थिति अगर पनपती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति पनपती है, तो आप अपने म्यूचुअल आप अपने आपसी संबंध को इतना मजबूत बनाइए कि आप आपसी बातचीत से अपने छोटे भाई बहनों के साथ उपजे तमाम तरह के मतभेदों को आप खत्म कर पाएँ। देखिए, आपको आपके लग्नेश हैं सूर्यदेव, और मैं ज्योतिषीय सलाह में आपको यही कहूँगी कि आप सूर्यदेव की आराधना जरूर करें, उगते सूरज को जल दें, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप रोज़ नहीं कर पाते तो रविवार को सुबह प्रातः स्नान ध्यान करके आप इस पाठ को ज़रूर करें। आप पीले वस्त्रों को बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्रों को धारण करें और गुड़ का आप सेवन करें, गेहूं के आटे का सेवन करें, तो इस तरह से आप अपने सूर्य को मजबूत करेंगे। मिलती हूँ बहुत जल्दी आज के वीडियो में, बस इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए, एक नए वीडियो में आपसे जल्दी भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।